नोएडा से बड़ी खबर, क्राइम रिस्पांस टीम और थाना एक्सप्रेसवे पुलिस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। गांजा बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार है। ओडिशा आंध्र प्रदेश से लाकर के दिल्ली एनसीआर में बेचते थे गांजा। आरोपियों के पास से 22 लाख की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। बस और ट्रेन में कपड़ों के अंदर छिपा करके गांजा लाते थे, तस्करी करते थे। और यहां पर देखिए किस तरीके से एक्शन लिया गया है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा आंध्र प्रदेश से ला करके दिल्ली एनसीआर में से बेचा जाता था। सीआरपी टीम और थाना एक्सप्रेसवे टीम की संयुक्त कार्रवाई में तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों का नाम गोलू, पंकज और विशाल है। इनके पास से 60 किलो गांजा की बरामदगी हुई है। 60 किलो गांजे की अनुमानित कीमत करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, देखिए क्राइम रिस्पांस टीम और पुलिस यहां पर एक्शन मोड में नजर आई है। जिस तरीके से यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ बरामदगी हुई है और आगे ये जो नेक्सस है इसमें किन किन लोगों के शामिल होने की संभावना है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, गांजे की तस्करी करके ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ये जो पकड़े गए आरोपी हैं, ये पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर में लेकर आया करते थे। खासतौर पर शिक्षण संस्थान या बड़े बड़े कॉलेज हैं उनके आसपास गांजे की सप्लाई किया करते थे। कई स्टूडेंट को सप्लाई करने की भी बात सामने आई है। पुलिस इनके साथ जुड़े अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो मास्टरमाइंड है गोलू, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग पिट्ठू बैग में बस और ट्रेन के माध्यम से उड़ीसा आंध्र प्रदेश से थोड़ी थोड़ी मात्रा में गांजा लेकर आया करते थे। इससे पहले भी गोलू गिरफ्तार किया गया था, उस समय ये गाड़ियों में या ट्रक में गांजा भरकर लेकर आया करते थे। दूसरी बार इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 22 लाख की कीमत का जो गांजा है उसको बरामद कर लिया है। और इनके साथ कौन कौन लोग मिले हैं, किस नेटवर्क के साथ मिलकर ये गांजे को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सप्लाई किया करते थे, उस नेक्सस के लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और उड़ीसा में जिन व्यक्तियों से इस गांजे को लेकर आया करते थे उनके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल अमित, और इस नेक्सस में और कौन कौन शामिल है इसकी पड़ताल भी लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बढ़ेंगे।